बुलंदशहर में चली गोलियां, ढोलन गांव में फैली दहशत, छात्र की गोली मारकर हत्या। रोता बिलकता ये परिवार बुलंदशहर के संदेश मीणा का है, वही संदेश मीणा जिसे अज्ञात हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि संदेश की मौत उसके घर वालों के लिए किसी सुनामी से कम नहीं। वो अपने घर का लाडला था, अपनी माँ की आंखों का तारा था, संदेश अपने पिता की उम्मीद था। संदेश अब इस दुनिया में नहीं है, संदेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। संदेश को मौत के घाट उतारने वाले तो फरार हैं, और फरार हत्यारों के साथ वो राज जिसके चलते संदेश को गोली मार दी गई। बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के नगला ढोलन गांव का संदेश मीणा 2 दिन पहले ही अपने कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी पर आया था। 17 नवंबर की शाम को संदेश अपने घर से अपने खेतों की ओर निकला था, लेकिन संदेश लौट के घर वापस नहीं आया। शाम को घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गई, वहीं घर में संदेश का इंतजार भी और तेज हो गया। काफी देर हो चुकी थी, संदेश वापस नहीं लौटा। तभी घर में मौजूद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद उसका खून से लथपथ शव खेतों में मिला। एक लड़के को गोली लगी है जिसकी मृत्यु हो गई। जांच करने पर पाया गया कि एक संदेश मीना नाम का लड़का है जो ITI पॉलिटेक्निक का कोर्स दिल्ली से कर रहा है। वो अपने घर आया हुआ था और बाद में उसको गोली मार करके अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या की गई है। छानबीन प्रारंभ कर दी गई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही, अभियोग दर्ज है, और जहाँ तक संभावना बन रही है कि आसनाई का कुछ चक्कर है जिस वजह से घटना हुई है। बहुत जल्द ही हम घटना का अनावरण करेंगे। खेतों में संदेश की लाश देखते ही हड़कंप मच गया। एक गोली संदेश की पीठ पर लगी थी। इस खबर के फैलते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। अब पुलिस को तलाश है संदेश के हत्यारों की, जिनकी गिरफ्तारी के बाद खुलेगा इस बेरहम कत्ल का राज। अनुभव शर्मा, बुलंदशहर, ABP गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/ABP गंगा।